निवेदिता मेनन। आज वर्ल्ड वुमेंस डे है, महिला दिवस मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। मुझे फ़ख्र है कि आज जहां हमारे देश में अरुणिमा सिन्हा जैसी लड़कियां, जिनके कि दोनों पैर नहीं हैं, दोनों पैर नहीं होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पे जाके हमारे देश का झंडा फहराती हैं, हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, हमारे देश को फख्र महसूस कराती हैं। एक तरफ तुम हो, मैं तुम्हें आप नहीं बोल सकता, सॉरी। एक तरफ तुम हो जो हमारे देश में आने वाली युवा पीढ़ी को, हमारे देश की युवा पीढ़ी को इस कदर बरगला रही हो, उन्हें ये महसूस करा रही हो कि हमारे हिंदुस्तान, जो हमारा हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में न तो कश्मीर है, न तो नागालैंड है, न तो अरुणाचल है, कुछ भी नहीं है। जो है सब चाइना का है, पाकिस्तान का है, सबको हम लोग उठा उठा के दे दें। उसी हिंदुस्तान में रहती हो तुम ना, जिस हिंदुस्तान में खा के, जिस हिंदुस्तान का खा पी के, जिस हिंदुस्तान में पढ़ के इतनी इंटेलेक्चुअल बनी हो, जिस हिंदुस्तान में डिग्री लेने के बाद JNU जैसे संस्थान में प्रोफेसर बनी, जिंदगी भर वहीं का कमाई, वहीं का खाई। आज तुम्हारे बच्चे शायद फॉरेन में कहीं और पढ़ेंगे, आई डोंट नो कहाँ होंगे, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हारा भाषण सुना मैंने, मुझे क्षोभ है, इतना कष्ट है, इतना दुख है। महिला दिवस पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश में तुम्हारी जैसी भी महिलाएं हैं जिनको देख के घिन आती है, मुझे शर्म महसूस होती है कि वुमेन एम्पावरमेंट का तुम लोग सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हो। इंटेलेक्चुअलिज्म को सिर्फ एक मोहरा बना लिया है तुम लोगों ने, तुम लोगों ने युद्ध को बर्बाद कर दिया है। शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो, तुम्हारे लिए हमारे देश के किसी भी कोने में कहीं कोई जगह नहीं है। अरुणिमा सिन्हा जैसी लड़कियां और हमारे देश में तमाम वो लड़कियां जो हमारे देश का झंडा फख्र से पूरे वर्ल्ड में फहराती हैं, उनका नाम रोशन करती हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और सलाम करता हूँ।